गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आज आप लोग को एक नया टॉपिक प्रायिकता के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रायिकता क्या है, प्रायिकता में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रायिकता में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसकी जानकारी सबसे पहले हम लेंगे, उसके बाद हम इसके प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रायिकता क्या है, तो चलिए हम यहाँ पर लिखे हैं प्रायिकता क्या है। प्रायिकता एक अवधारणा है जो किसी घटना को घटित होने की निश्चितता के आंकिक मान को दर्शाता है। मतलब क्या कि प्रायिकता एक घटना है जो किसी घटना को घटित होने के लिए आंकिक मान को दर्शाता है, मतलब संभावना को दर्शाता है। अब प्रायिकता के द्वारा प्रायिकता में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसको हल करने के लिए हम किसका सूत्र प्रयोग करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो प्रायिकता का एक ही फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब प्रायिकता की कोई घटना बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा उसमें प्रयोग होने वाले कुल सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है, आप लोग इसे याद कर लें। उसके बाद प्रायिकता के प्रकार आगे लिखे हैं। प्रायिकता के प्रकार में मतलब इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है इसको देखना है। तो प्रायिकता के प्रकार में पहला है अदृश्यता, दूसरा है सिक्का, तीसरा पासा और चौथा ताश की गड्डी, जिसमें से हम आज पहला नंबर अदृश्यता के बारे में जानेंगे। अदृश्यता से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अदृश्यता मतलब यहाँ अदृश्यता शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि बिना देखे हुए, अदृश्यता से ही हमें पता चल रहा है कि बिना देखे हुए, मतलब जो चीज को हम देख करके नहीं कर रहे हैं उसी का अर्थ अदृश्यता यहाँ पर आ रहा है। तो अदृश्यता से प्रायिकता में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। मान लो कोई एक बैग है, उस बैग में समान आकार के विभिन्न रंगों की गेंद रखी हुई है, जिसमें प्रत्येक रंग के गेंदों की संख्या हमें बता है, और उस बैग से कोई व्यक्ति हमें बोलता है कि आप इस बैग में, बैग को बिना देखे हुए अपने हाथ को अंदर डालिए और डालने के बाद किसी एक गेंद को निकालिए, और एक गेंद निकालने की, वह जो गेंद आप निकाले हैं इसकी क्या प्रायिकता है कि विभिन्न रंगों में से कोई एक रंग पूछ दिया जाएगा कि वह रंग का गेंद होगा। तो इसमें इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए हम एक एग्जांपल के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो एक ड्रम है और उस ड्रम में समान आकार के कुछ रंगों के गेंद रखा हुआ है। जैसे पहला में चलते हैं अदृश्यता, एग्जाम्पल में चलते हैं। मान लो ये एक ड्रम है और इस ड्रम में बहुत सारा गेंद समान आकार का डाला गया है, जिसमें बहुत सारे रंगों की गेंद है। अब इसमें कोई एक व्यक्ति बोल रहा है कि आप इसमें हाथ डालिए, जिसमें से कलर रंग जो है वो कुछ गेंद काला रंग की है, कुछ लाल रंग की है, कुछ हरा रंग की है। इसमें से काला रंग की गेंदों की संख्या मान लेते हैं 4, लाल गेंद 5 और हरा गेंद 3। तो इतना बॉल इसमें रखा गया है और इसमें से एक बॉल को अदृश्यता निकालने के लिए मिल रहा है। तो बोला कि आप बिना देखे हुए उस ड्रम में हाथ को डालिए और कोई एक गेंद निकालिए और आप बताइए कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह निकला हुआ गेंद काला रंग का होगा।
क्वेश्चन में आए बोल रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता कि वह गेंद काला रंग का होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जितना गेंद वहां पर दिया रहेगा उन सभी गेंद को हम जोड़ देंगे, मतलब कुल गेंदों की संख्या हम प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम जोड़ते हैं कुल गेंदों की संख्या, बराबर क्या इन सभी को जोड़ेंगे तो 12, ठीक है। कुल गेंदों की संख्या कितनी आ गई, 12। अब हमें प्रश्न में क्या बोल रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद निकला हुआ गेंद काला रंग का होगा। तो चलिए हम इस फॉर्मूला के माध्यम से अदृश्यता का एक प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं। तो इसकी क्या प्रायिकता कि वह गेंद काला रंग का होगा, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, लेकिन ई क्या है, घटना यहाँ पर है, तो घटना क्या बोल रहा है, काला रंग का गेंद। तो लिखेंगे सबसे पहले कुल गेंद की संख्या, यह नहीं चल रहा है प्रश्न, हम आप लोगों को समझा दिए हैं। कुल गेंद की संख्या बराबर कितना दिया है, 12, और मान लिया घटना ई क्या है, काला रंग की गेंद, तो काला रंग की गेंद की संख्या कितनी है, 4 है। तो चलिए लिखते हैं, मान लिया घटना ई बराबर क्या है, काला रंग की गेंद की संख्या। तो काला रंग की कुल गेंद की संख्या कितनी है, 4, तो घटना ई क्या हो जाएगा, 4। अब इसकी क्या प्रायिकता कि वह गेंद काला रंग का होगा, इसको ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब पी बराबर ये फॉर्मूला लगाएंगे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा फॉर्मूला क्या है, प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है यहाँ पर, मतलब काला रंग के गेंदों की संख्या, काला रंग के गेंदों की संख्या कितनी है, 4 है। तो क्या हो जाएगा, PE बराबर 4, और कुल प्रयोग कितना हो रहा है यहाँ पर, कुल गेंदों की संख्या 12 है। तो काटेंगे तो काटने के बाद 1/3 आ जाएगा, और जो 1/3 आएगा वो हो जाएगा कि इस ड्रम में से काला रंग निकालने, काला रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता हो जाए। तो इस प्रकार का प्रश्न हमें अदृश्यता के अंदर पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार का प्रश्न का हल हम इस तरीके से करेंगे। तो आप लोग इसके अच्छी तरह से अभ्यास करें और अपने से सोचें कि इसमें किस तरह से हम हल करेंगे इसको, जिससे हमें प्रायिकता का प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। तो आज हम लोग अदृश्यता के बारे में पढ़ें, अदृश्यता के अंदर हमें किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा इसके बारे में, फिर हम आगे आप लोग को
दूसरे मतलब सिक्का के बारे में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा उसको बताएंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।